19 साल का एक युवक जिसने देखा भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान का सपना और अपने कैरियर की शुरुआत की दिल्ली के आर्यभट्ट महाविद्यालय से, जहां जनशक्ति छात्र संघ से चुनाव जीतकर बना सिर्फ 19 साल का छात्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, हम बात कर रहे हैं राधन सिंह की, जिन्होंने अभी हाल ही में निर्दलीय मोर्चा का गठन कर आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। नमस्कार, मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। दिल्ली के जनपद में राधन सिंह के नेतृत्व में निर्दलीय मोर्चा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। बता दें कि इस कार्यक्रम में बहुत से समाजसेवी व पार्टियों ने राधन सिंह के भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान के सपने का साथ देने का आश्वासन दिया। साथ ही इस मौके पर वहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारतीय राजनीति में पहली बार हो रहा है इतिहास में कि एक 19 साल का छात्र हो, एक 19 साल के छात्र के नेतृत्व में पूरे दिल्ली का चुनाव लड़ा जाना है। सातों लोकसभा पे उम्मीदवार लगभग तैयार हो चुके हैं। हम मजदूर प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, उन प्रत्याशियों को जो जनता से जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां सिर्फ वादे करती हैं, लेकिन हमारी निर्दलीय मोर्चा इस बार इरादे लेकर आई है कि दिल्ली में कुछ बदलाव हो, बड़ी बड़ी पार्टियों के झूठे बहकावे में नहीं, झूठे जुमलों से नहीं, इस बार इरादों से बदलाव होगा और निर्दलीय मोर्चा लोगों के बीच में जाने वाला है। 8 तारीख से हमारा जनसंपर्क अभियान भी शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे सभी साथीगण अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशी प्रचार के लिए उतरेंगे और जनसंपर्क अभियान के साथ में। सर, इससे पहले आप लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े हुए थे, क्या वजह रही उसे छोड़ने की? देखिए, आज की डेट में तो एक 19 साल का बच्चा एक ब्लॉक अध्यक्ष भी नहीं बन पाता। मैंने लोक जनशक्ति पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि पार्टी हमारी चाहती थी कि वो दिल्ली में इलेक्शन लड़े ना लड़े, लेकिन अभी ज़रूरत है कि लोग पार्टियों को छोड़ एक बार अपने समूह को बनाएं और जहां उन्हें गलत दिखे, चाहे वो कोई भी सांसद गलत करे, चाहे विधायक गलत करे, उनके खिलाफ मजदूरों को खड़े होने की जरूरत थी। मजदूरों का एक हमारा संगठन भी है, वो संगठन आम जनता का है, तो आम जनता के आह्वान पर निर्दलीय मोर्चा आया है, छात्रों के आह्वान पर निर्दलीय मोर्चा आया है और हम लोग दिल्ली लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। राजन जी, देखा इस मीटिंग में विकास कार्य को लेकर बात की, महिला सुरक्षा को लेकर बात की, चुनावी समय बहुत सी पार्टियां उभर के सामने आती है, बड़े बड़े वादे करती हैं, तो आपकी पार्टी भी सिर्फ कहने के लिए वादे कर रही है, इसे खड़े भी उतरेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज कहते हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोलता, ये छात्र की पार्टी है 19 वर्ष के, हम इरादे लेकर आए हैं तभी आज इस जगह पर खड़े हैं कि इन बड़ी बड़े घरानों के विरोध में हम बोल सके। और हमारे जितने प्रत्याशी हैं सब शपथ पत्र पर लिख कर देंगे अपने कार्यों को। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग कुछ बदलाव के लिए आ रहे हैं, दिल्ली में बदलाव होगा, छात्र मिलकर बदलाव करेंगे, मजदूर मिलकर बदलाव करेंगे और इस बार बड़े बड़े घरानों को नहीं, लोग अपने अपने जैसे झुग्गी झोपड़ी के लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे और संसद भवन भेजेंगे। सर, आपकी पार्टी युवाओं के बीच में एक नई पार्टी है, जनता से अपील कीजिए अपनी पार्टी के लिए, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, बदलाव के लिए आ रहे हैं, आज मौका है, पूरा देश देख रहा है कि कैसे एक छात्र ने एक निर्दलीय मोर्चा का शुभारंभ किया है। मैं चाहता हूं जनता से कि आप लोग दिल्ली में जब हमारे उम्मीदवार जाएं, उनको जांचें परखें और जब वो आपके दिल को, आपके मन को और आपके दिमाग को शांति दे सके, जब वो आपके वादों पर आपको लगता है खरे उतर सके, तभी हमें वोट करें। और मैं विश्वास दिलाते हुए यही कहना चाहूँगा आखिरी में, हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। देखिए, ये निर्दलीय मोर्चा एक जो इन्होंने नाम दिया है, ये युवाओं का है और युवा अपने देश में जो भी हैं आज शिक्षित हो चुके हैं और वो अपने अधिकार के लिए किसी भी पहलू पे काम करना चाहते हैं। और रही सवाल निर्दलीय मोर्चा की, तो इस बच्चे ने जो जिस मकसद से इस मोर्चा का नाम दिया है, इसके लिए हम तो अपने तरफ से और भारतीय इंसान पार्टी के तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा और इनके समर्थन में जैसे भी हो, पार्टी विशेष पे नहीं, एक मानवता एक इंसानियत के नाते हम राजन सिंह को सपोर्ट समर्थन करेंगे। और ये नौजवान जो कारवां लेके इस देश के लिए निकल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुक्रिया दे रहा हूँ कि नौजवान इस तरह से अपने देश के लिए कुछ निकले और अपने देश को बचाए। सर, एक युवा का मोर्चा निकल के आया है समाज के बीच में, निर्दलीय मोर्चा, तो आप उस मोर्चे को किस तरीके से समर्थन देंगे?
हम ये चाहते हैं कि इस राजन सिंह में इतनी टैलेंट देख रहा हूँ, एक 19 साल का बच्चा है, इतना अच्छा सोच रख रहा है, तो ये भविष्य में जब ये 25 साल का होगा, जब इसका लोकसभा चुनाव लड़ने की समय होगी, तब इसकी सोच कितनी बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ इसके साथ हम लोग लगे हुए हैं, इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये आगे बढ़े और देश के लिए कुछ करे। फिलहाल आप बने रहिए उंगार 24/7 के साथ। धन्यवाद।